मेरे न्यू यूट्यूब रेसिपी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको मोदक बना के दिखाने वाली हूँ। मोदक बनाने के लिए मैंने यहाँ नारियल, एक गुड़ और ये है मैंने चावल काटा लिया है। अभी मैं आपको मोदक बना के दिखाती हूँ। मोदक बनाने के लिए यह मैंने गुड़, नारियल, नारियल का ऊपर का सिरप निकाल कर मैंने ऐसा कट कर लिए। चावल काटा, चावल काटा मैंने अंबे मोहर चावल अच्छे से भिगो कर सुखाया और इस सूखे मैंने अच्छे से पीस के लाए हैं। तो चावल क्या आटा भी मैं इसकी मैं अभी उखड़ निकालती हूँ। उखड़ निकालने के लिए मैंने यहाँ बर्तन में दूध रखा है गर्म करने के लिए। और यहाँ मैंने अभी इलायची पाउडर में बना रही हूँ, इलायची पाउडर। तो इतना ही सब लगता है सही से मोदक बनाने के लिए। अभी मैं चावल काटा दूध में डालती हूँ। हम अच्छे से मिलाएंगे और इसकी हम उकड़ बनाएंगे और ये हम अच्छे से इसका हम उकड़ बनाने के बाद इसे हम आटा तैयार करेंगे मोदक बनाने के लिए। अभी मैं इसे अच्छे से इसका आटा गूंथ लूंगी। इसका आटा मैं गूंथ के तैयार करूंगी। अभी हो गए तो इसे मैं रख देंगे ठंडा करने के लिए। अभी पैन में गर्म करने के लिए रख दी थी। अभी हम सारण बनाएंगे। सारण बनाने के लिए नारियल को मैं पीस लेती हूँ। यहाँ मैंने नारियल पीस लिए, नारियल को मैं डालूंगी पैन में और इसे हम फ्राई करके लेते हैं। मैं डालूंगी गुड़, दो वाटी नारियल को एक वाटी गुड़ डालें। अब इस सब मिश्रण हम अच्छे से बनाएंगे। इसमें हम एक चम्मच खसखस इलायची पाउडर डालेंगे। इलायची पाउडर सबसे लास्ट डालेंगे। यहाँ मैंने इलायची पाउडर बनाया है तो ये मैं अभी डालती हूँ और इसे मैं अच्छे से मिक्स करती हूँ। और हमारा ये सारण रेडी हुए, इसे मैं अभी बर्तन में निकाल लेती हूँ। अभी मैं घी डालती हूँ सारण में, थोड़ा आधा चम्मच घी डालती हूँ। इसे हमारे सारण की बहुत टेस्ट अच्छा थी।
मोदक की। सारण बहुत ही परफेक्ट बना है, इस अभी में निकाल लेती हूँ। इलायची पाउडर और घी डालने से इसका स्वाद बढ़ता है, इसलिए मैंने आधा चम्मच घी डालने एक बर्तन में इसे निकाल लेती हूँ, नहीं तो ये गर्म पैन में और ज़्यादा सारा कड़क होता है। यहाँ मैंने आटा गूंद कर लिए हैं, तो अभी मैं इसके आपको ऐसा इसका थोड़ा सा गोला तोड़ के मोदक बनाकर दिखाती हूँ। आपको जितना छोटा मोटा मोदक बनाना है ऐसा आप बेल के भी ले सकते, बेल कर या हाथ पे भी ऐसा इसे बना सकते, तो मैं ऐसा ट्राई करती हूँ बनाने। यहाँ पानी गर्म करने कर रखा है मैंने, और इस चाल में इसे भी मैंने ऑयल लगा कर लिए, तो अभी मैं आपको मोदक बना कर दिखाती हूँ। तो सबसे पहले हम इसे ये आटे को ऐसे हाथ से ऐसा पाकली बनाएंगे, और इसके बीच में हम सारण डालेंगे। इस तरह से हम सब मोदक बनाएंगे। मैंने पानी उबालने को रखा है, ये चालनी में रखती हूँ, इसे मैंने ऑयल लगा कर लिए। और यहाँ मैंने 21 मोदक बनाए हैं, अभी वो मैं उबालने को रखती हूँ। तो यहाँ मैंने सब 21 मोदक उकड़ी के मोदक मैंने रखा है बॉयल होने को, तो इसके ऊपर मैं अभी एक प्लेट डालती हूँ और 10 मिनट के लिए रख देती हूँ लो फ्लेम पर। अभी 10 मिनट हो गए और यहाँ हमारे मोदक खाने के लिए रेडी हो गए, बहुत अच्छे से बॉयल हो गए। तो इस तरह से मैंने ये उखड़ी के मोदक बनाकर दिखाई है आपको। अगर मेरी रेसिपी उखड़ी के मोदक का वीडियो पसंद आया होगा तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।